34,000 करोड़ रुपया जम्मू श्रीनगर का एक नया हम जो मार्ग दे रहे हैं उस पर लगा रहे हैं, और उसके कारण जम्मू से श्रीनगर आने में आज 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लग जाते हैं, वो 3.5-4 घंटे में पहुंच पाएगा व्यक्ति। और टनल बनाने के कारण करीब 65-70 किलोमीटर रास्ता कम हो जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास को कितनी नई ऊंचाइयां मिल सकती है। हम रेल ट्रैक को और बलवान बनाना चाहते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा चाइना में बन सकता है, यहां कौन नहीं बन सकता है, कश्मीर की धरती पर भी बन सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, साथ साथ अब सिर्फ हाईवे से चलने वाला नहीं है, हाईवे का एक जरूरत है, उसके बिना चलना नहीं है, लेकिन सिर्फ हाईवे से भी नहीं चलना है, और इसलिए हाईवेज की भी जरूरत है। और इसलिए हमारा लक्ष्य हाईवेज का भी है, हाईवेज का भी है। अच्छी शिक्षा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बल, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, गांव और किसान के लिए यहां की जो पैदावार है उसको बल, नौजवान को रोजगार के लिए अवसर, इन बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। और उस सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज देने का घोषित किया। मेरे नौजवानों, मेरी दिली इच्छा है ये 80,000 करोड़ रुपया आपके भाग्य को बदलने के लिए काम आना चाहिए। मैं लद्दाख के भाइयों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ हिल काउंसिल में, हमारे एमपी साहब और उनकी पूरी टीम को जमहूरियत का जो बल मिला और पूर्ण बहुमत के साथ जो बॉडी बनाया, उसके लिए लद्दाख के भाइयों को भी मैं आज कश्मीर की धरती पर आया हूं, हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं।